ये विदेशी कंपनियां तो देश का पैसा विदेश में लेके जाती हैं। जब तुम कोका कोला खरीदते हो, पेप्सी खरीदते हो, फेयर एंड लवली खरीदते हो, लाइफ बॉय खरीदते हो, क्लोजअप खरीदते हो, हेड एंड शोल्डर खरीदते हो, क्लिनिक प्लस खरीदते हो, तो ये पैसा किसके पास चला जाता है? विदेशी कंपनी है ये, सारे विदेशी ब्रांड है ये, कोका कोला, पेप्सी, लॉक्स, लाइफ बॉय, डॉव, क्लिनिक प्लस, फेयर एंड लवली। एक विदेशी कंपनी थी, देश को लूटा और गुलाम बनाया, क्या नाम था उसका? जोर से बोलो। तो फिर इतने धीरे से क्यों बोल रहे हो? जोर से बोलो। ईस्ट इंडिया कंपनी ने देश को करीब 200 साल उसकी दुर्दशा की, और पहली आजादी की लड़ाई 1857 का प्रथम स्वातंत्र्य संग्राम हमने किसी मुगल बादशाह के खिलाफ या अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ नहीं लड़ा। 1857 की पहली क्रांति किसके खिलाफ थी? ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ। मंगल पांडे ने जो बगावत की, और उसके बाद करीब 90 सालों में 7 लाख से ज्यादा वीर वीरांगनाओं की आहुति लगी, उनकी शहादत की बदौलत फिर आजादी मिली। एक कंपनी के कारण 7 लाख से ज्यादा भारतीयों को शहादत देनी पड़ी और देश गुलाम हुआ। अभी भी राजनीतिक आजादी तो मिल गई, आर्थिक आजादी नहीं मिली, भाषा की, शिक्षा की, चिकित्सा की, खेती की आजादी नहीं।